में लोग बाढ़ की समस्या से परेशान हैं। उत्तरी बिहार खासकर लबालब पानी से सराबोर है और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आज दरभंगा पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात किए, तो उस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि सभी बाढ़ पीड़ित के अकाउंट में 7,000 रुपये जाएंगे। इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है और ये दशहरा से पहले ही होगा, यानी कि दुर्गा पूजा के पहले ही ये तमाम काम कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ही इसकी शुरुआत करेंगे। एक अन्य मार्ग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां मुख्यमंत्री लोगों को पैसे देंगे, यानी कि 7,000 रुपये उनके अकाउंट में चले जाएंगे। मदन सैनी ने भी इस बात की पुष्टि की कि हाँ, सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया है, अब लोगों के खाते में 7,000 रुपये चले जाएंगे। वैसे लोगों के खाते में जाएंगे जिन लोगों को बाढ़ से परेशानी हुई है, यानी कि जिन्हें क्षति हुई, जिनका घर बार डूब गया, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, उन्हें सरकार यानी कि उस परिवार में जितने सदस्य होंगे तमाम सदस्यों के अकाउंट में 7,000 रुपये जाएंगे। ये सरकार करेगी। खुद से यहाँ आ करके और उसका निरीक्षण किए हैं और उसके बाद यहाँ से बिरौल के खोरागाछी स्टेडियम में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहाँ से फिर गाड़ी से पुनाच जहाँ बाढ़ आया हुआ है वहाँ जा करके वो निरीक्षण करेंगे और जो दिशा निर्देश होगा वो उनके द्वारा दिया जाएगा। अभी हम लोग इतना कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा पीड़ितों के लिए, खास करके जो बाढ़ के समय में लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाता है, उसका आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इससे पहले भी कभी हम लोगों ने देखा है बाढ़ पीड़ितों को 25 किलो अनाज के लिए लोगों को गोली खाना पड़ता था। आज इसी राज्य में और इसी मिथिलांचल में इसी दरभंगा से जब बाढ़ पीड़ितों को एक एक क्विंटल अनाज दिया गया तो उनको क्विंटलिया बाबा के नाम से भी लोगों ने पुकारना शुरू किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अनाज ही नहीं दे रहे, एक एक क्विंटल अनाज के अलावा अभी तो 7,000 रुपया पिछले वर्ष उन्होंने निर्णय लिया, पहले 6,000 रुपया दिए जाते थे बाढ़ पीड़ितों के खाता में, इस बार 7,000 रुपया दिया जाएगा। और दशहरा से पहले जो हमारे जितने बाढ़ पीड़ित हैं 48,000 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है, उसमें हो सकता है हमारे हनुमान नगर में भी कुछ गांव में आया है जिसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी हम लोगों ने उनके संज्ञान में दिया, उस गाँव को भी हम लोग जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा लोगों को 7,000 रुपया पटना से माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को डीबीटी के माध्यम से सभी के खाता में भेजेंगे। तो ये दशहरा से पहले लोगों के खाता में चला जाएगा अभी जाके। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों को और भी सहूलियत दी जा रही है। अगर जमीन सर्वे की बात करें तो इसके लिए भी सरकार उन्हें सहूलियत दी है कि अगर बाढ़ के पानी में उनका कागज डूब गया है तो सरकार उन्हें अपने तरफ से कागज देगी, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका जो जमीन है वो सर्वे में आएगा, उस जमीन का भी सर्वे होगा, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बात दिलीप जायसवाल ने कहा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो खबर ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितने बाढ़ पीड़ित हैं उनके अकाउंट में 7,000 रुपये भेज देंगे। पहले ये 6,000 रुपये था, हर साल बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपये ही दिए जाते थे, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिए गए हैं और अब तमाम बाढ़ पीड़ितों के अकाउंट में 7,000 रुपये जाएंगे। और ये सब कुछ दशहरा पूजा के पहले होगा, यानी कि विजयादशमी के पहले लोगों के अकाउंट में ये पैसे चले जाएंगे। इसके लिए क्या प्रक्रिया है ये भी सरकार बताएगी। हालांकि अमाउंट जरूर बढ़ाया गया है लेकिन इस बार जो बाढ़ आया है वो पिछले कई सालों से सबसे ज़्यादा भयावह है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 50 साल बाद ऐसा भयावह बाढ़ आया है जहाँ पर कोशी बराज और गंडक बराज खोल दिया गया और उसके बाद नेपाल में जितनी बारिश हो रही है वहाँ का पानी बिहार आ रहा है। बिहार निचला इलाका है और वहाँ से तमाम पानी बिहार आ रहे हैं और बिहार की स्थिति ये बनी हुई है। हालांकि इस पर खूब सियासत भी हो रहा है, सत्ताधारी दल विपक्ष को कोस रहे हैं तो विपक्ष सत्ताधारी को कोसते नजर आए हैं। इन सब के बीच खूब बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार एरियल सर्वे करने के बाद जब आज दरभंगा पहुंचे तो यहाँ पर इन्होंने ऐलान कर दिया कि सभी को 7,000 रुपये दिए जाएंगे। बाकी इसको लेकर और भी कोई अपडेट सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।